हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद, और उसकी जो प्रश्नावली चल रही है हमारे पास वो है 2.4। नई बुक के हिसाब से वो 2.4 एक्सरसाइज है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इसके दो पार्ट हैं, ये हमारे पास पहला पार्ट है, ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है वो इक्वल होता है एक्स प्लस वाई, फिर बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है और नेक्स्ट ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ नीचे। ये हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको इक्वल प्रूव करना है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं LHS, और यहां ये होता है इसको कहते हैं RHS। RHS मतलब दायां वाला हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ RHS वाले हिस्से को हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद इसको हम इसके इक्वल लेके आएंगे। तो ये हमारे पास है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद, इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका हमारे पास ये है कि सबसे पहले एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। तो एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा एक्स क्यूब। पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, यहां पर पहले से ही x भी है y भी है, तो x को अगर हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है y, तो आगे माइनस भी है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इस x को इस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्स को अगर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एक्स वाई स्क्वायर। तो ये आ गया प्लस एक्स वाई स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब किसकी बारी है, अब इस वाई को आप क्या करो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। वाई को अगर आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों चिपक जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। देखो वही लिख दिया मैंने, तो प्लस में आएगा, प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब वाई को माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना है, वाई को मल्टीप्लाई करना है माइनस एक्स वाई से, तो आंसर तो माइनस में आएगा, तो वाई सिर्फ वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर, और आगे आपके पास माइनस एक्स है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं इसको कि y को अगर आप माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब y को आप वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, y को किससे, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है वाई क्यूब। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आ गया हमारे पास प्लस वाई क्यूब। ये क्लियर हो गया आपको। अब क्या करना है, इसी को मैं वापस कॉपी कर देता हूं अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए इसको वापस कॉपी कर दिया पूरा का पूरा, ये पूरा कॉपी कर दे रहा हूं मैं, ये पूरा माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब आपको क्या चीज देखनी है, आपको देखना है कि इसमें कट कौन से रहे। देखो ये है एक्स स्क्वायर वाई, दिख रहा होगा, ये सर्कल कर दिया, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, पर इसके आगे यहां प्लस है और इसके आगे यहां माइनस है, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। अब ऐसे ही अगला देखो, इसको देखो, ये है एक्स वाई स्क्वायर, ये भी है एक्स वाई स्क्वायर, तो दोनों को मैंने स्क्वायर बॉक्स में बंद कर दिया, इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो इसलिए ये भी कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा कटने के बाद, एक तो ये बचा, क्या है ये एक्स क्यूब, और एक ये बचा, क्या है ये वाई क्यूब। तो अब आप देखें हमारे पास आंसर फाइनली क्या आ गया है,
वो आ गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो अगर वापस क्वेश्चन में जाएंगे तो क्वेश्चन में हमें यही करना था, क्या करना था, ये जो हिस्सा है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर लाना था। यहां पर देखो, यहां पर भी मैंने बताया था कि मैंने इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व करके मैं कितना लेके आया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये वाला हिस्सा हमने यहाँ पर बच्चों सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों अब हमारे पास ये सेकेंड पार्ट है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को इसके इक्वल प्रूव करना है, या फिर हम कह सकते हैं इसको हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के बराबर लाना है। इस वाले हिस्से को हम कहते हैं एलएचएस और इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे हम, आरएचएस। तो हम आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लाएंगे। तो ये जो हिस्सा है ना जिसको मैं अब सर्कल कर रहा हूं इसको सॉल्व करूंगा मैं सिर्फ, ठीक है। तो इस सर्कल वाले हिस्से को सॉल्व करूंगा और सॉल्व करके क्या लाऊंगा, ये लाऊंगा। तो सॉल्व करता हूं यहां पर, तो आर एच एस हमें सॉल्व करना है जो मैंने बता दिया क्या लिखा है, ये लिखा है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब कैसे सॉल्व करना है ये आप देखेंगे यहां पर। सबसे पहले एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों अगर एक्स को आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा एक्स क्यूब। तो इस एक्स को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये एक्स क्यूब आ गया। अब अगला क्या करना है, अब इस एक्स से आपको इस एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है। एक्स से किसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई को। तो एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और वाई साथ में चिपका रहेगा तो ये आ गया। तो साइन प्लस का ही आएगा तो प्लस आ गया आपका एक्स स्क्वायर वाई। अब ये जो एक्स है इस एक्स से इस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, इस एक्स से किसको करेंगे, इस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई। एक्स से करेंगे वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई तो दोनों चिपक जाएंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो माइनस वाई है इस माइनस वाई से पहले इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। माइनस वाई से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों चिपक जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। पहले मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया तो यहां आ गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब यही जो माइनस वाई है इससे अब आप एक्स वाई को मल्टीप्लाई करें। माइनस वाई से हम किससे करेंगे, एक्स वाई से। तो कैसे करेंगे आप ये देखें, y से y को किया तो कितना आ गया वाई स्क्वायर, आगे माइनस भी है x भी है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसी माइनस y से इस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो। माइनस y से आप वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तो आगे लगा के रखोगे, y से वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाई क्यूब आता है। तो ये हो गया माइनस वाई क्यूब। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हमें आगे करना है इसके आगे। अब इसके आगे हम कैसे करेंगे देखें, इसमें अब जो चीज कट रही है उसको काटेंगे, ठीक है। इसको देखें पहले ये क्या लिखा है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर वाई और आगे क्या है प्लस। और देखें ये देखो ये भी है एक्स स्क्वायर वाई और इसके आगे क्या है माइनस, इसीलिए ये दोनों कट जाएंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसको देखें ये क्या है, ये है एक्स वाई स्क्वायर और इसके आगे है प्लस। ये देखें ये क्या है, ये है एक्स वाई स्क्वायर और इसके आगे क्या है माइनस, इसीलिए ये दोनों भी कट जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ ये बच गया और ये बचा तो इसी को उतार लेते हैं। तो ये क्या लिखा है हमारे पास, ये लिखा है एक्स क्यूब और ये लास्ट में क्या लिखा है हमारे पास, ये लिखा है माइनस वाई क्यूब। तो देखें फाइनली हमने यहां पर चीजें सॉल्व कर ली हैं और हमें आंसर क्या लाना था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। दोबारा देख लें क्वेश्चन में वापस जाएं तो ये देखें ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसमें इसको सॉल्व करके हमने ये चीज
लेके आ चुके हैं, ठीक है, इसको सॉल्व किया और ये चीज आ चुकी है। तो इस तरीके से बच्चों ये नाइन्थ क्वेश्चन यहां पर कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।